और इस तरफ है चेन सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री दिया हुआ है यहां पर बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो जो होता है एथर, o, R जो है ग्रुप या फिर जो आपके पास आर ग्रुप है इन सब का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सेम होता है ठीक है तो हम इथर का नाम कैसे लिखते हैं जो जनरल रूल है वो होता है एल्केन है ना इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन एल्केन होता है पेरेंट चेन एंड होता है ऑक्सीजन के साथ उसको हम क्या लिखते हैं ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले ढूंढेंगे अब यहाँ पर दो सबसे लगे हैं बेटा कौन कौन से Second position पर है मिथाइल ग्रुप एंड फर्स्ट पोजिशन पर है ये ओ सी टू एच फाइव इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज इथॉक्सी ठीक है अब तो नाम लिखना आसान हो गया कैसे लिखेंगे इसका नाम दिस इज फर्स्ट पोजिशन पर इथॉक्सी सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल एल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे तो पहले आएगा इथोक्सी तो इसका नाम हो जाएगा वन इथॉक्सी एंड सेकेंड पोजिशन पर है मिथाइल ग्रुप तो टू मिथाइल कितने कार्बन आइटम्स की चेन है बेटा थ्री कार्बन आइटम्स की तो ये हो जाएगा प्रोपेन वन इथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन ठीक है क्लियर चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है बेटा आपको सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच टू सी एल यहां पर देखेंगे सबसे ट्वेंट्स कौन कौन से होंगे एक है ये सी एल और एक होगा कौन सा छोटे वाला ये ओ सी एच थ्री कार्बन आइटम्स कितने होंगे यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन इज वन एंड टू इतने ही है तो चलो अब लिखो इसका नाम इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट पोजिशन पर है ये मिथॉक्सी एंड सेकेंड पोजिशन पर है क्लोरो एल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा क्लोरो तो हम यहां पर लिखेंगे टू क्लोरो फर्स्ट पोजिशन पर कौन है मिथॉक्सी वन मिथॉक्सी दो कार्बन आइटम्स की चेन है तो ये हो जाएगा इथेन सो दिस विल बी क्लोरो इथेन ठीक है दिसके okay, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा दिस इज एन ओ टू सी सिक्स एच फोर ओ सी एच थ्री एंड यहां पर ब्रैकेट में लिखा है पी इस पी का मतलब है पैरा पोजिशन तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा करो यहां पर ये आपने क्या बनाया एक बेंजीन रिंग इस रिंग में अगर हम यहां पर ले लें NO2 तो पैरा पोजिशन पर क्या है बेटा पैरा पोजिशन पर है ओ सी एच थ्री ग्रुप क्लियर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा यहां पर जो पेरेंट चेन है वो तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग होने वाली है राइट सब्सिटेंस की नाम रिंग कैसे करेंगे देखो ये क्या है ओ सी एस थ्री एंड यहां पर यह है एनओ टू जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम आएगा उसको हम पहला नंबर दे देंगे क्यों क्योंकि दोनों फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर ही मिलेंगे आपको तो नंबरिंग करेंगे यहां पर बेटा दिस इज फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हम लिखेंगे वन मिथॉक्सी फोर नाइट्रोबेंजीन ठीक है एंड ये जिस नाम से फेमस है वो नाम है बेटा एनिजोल दिस इज एनिजोल ठीक है ओ सी एस थ्री ग्रुप एंड पैरा पोजिशन पर एनो टू ग्रुप क्लियर है यह चीज चलो फोर्थ पार्ट करेंगे क्या गिवन है बेटा आपको सी एस ट्री सी एच टू सी एच टू ओ सी एस ट्री ये तो बहुत ही सिंपल पेरेंट चेन कौन सी होगी इसमें दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री तीन कार्बन आइटम्स की चेन है क्यों क्योंकि यहां पर ये जो है ओ सी एस ट्री ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी तो इसका नाम कैसे लिखेंगे दिस विल बी वन मिथॉक्सी एंड क्योंकि तीन कार्बन आइटम्स की चेन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। वेरी सिंपल चलो नेक्स्ट पार्ट देखो देखो फिफ्थ पार्ट बेटा थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहां पर आपको दिया एक रिंग सिक्स मेंबर रिंग है ठीक है इसमें एक पोजीशन पर है दो मिथाइल ग्रुप सी एस सी एस एंड एक पोजीशन पर है ओ सी टू एच फाइव ग्रुप क्लियर ओके अब अगर हम यहां पर नंबरिंग देने की बात करें तो एक आएगा फर्स्ट पोजीशन पर और एक आएगा फोर्थ पोजीशन पर अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो दिस विल बी फर्स्ट कार्बन सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ठीक है लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर को नंबरिंग करूं तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा ये वाला ग्रुप और फोर्थ पोजिशन पर आएंगे मिथाइल ग्रुप ठीक है तो अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा देखो अगर हम यहां पर नंबरिंग करें ऊपर वाली साइड से तो फर्स्ट पोजिशन पर आएंगे दो मिथाइल ग्रुप्स ज्यादा ब्रांचिंग है एंड फोर्थ पोजिशन पर आएगा इथॉक्सी ग्रुप क्लियर लेकिन अगर हम नीचे से करेंगे तो फर्स्ट पोजिशन पर एक ही आएगा और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि आपके पास ये जो होते हैं कौन से ईथर वाला जो ग्रुप है एल्कोक्सी ग्रुप एंड ये जो एल्काइल ग्रुप है इनका प्रायोरिटी जो है वो सेम होता है क्लियर तो हम यहां पर क्या करेंगे सिंपल आईयूपीएसी वाले रूल्स फॉलो करेंगे और नंबरिंग करेंगे इस वाले कार्बन से दिस इज फर्स्ट कार्बन दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ नंबरिंग में ध्यान रखना है बेटा नंबरिंग आपने गलत की आपका आंसर गलत आएगा तो इसका नाम कैसे लिख देंगे आप अब? अब हम चेक करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओ सी टू एच फाइव इज इथॉक्सी एंड सी एस मिथाइल तो पहले आएगा इथॉक्सी सो फोर्थ पोजिशन पर है इथॉक्सी ग्रुप सो इट विल बी फोर इथॉक्सी वन कॉमा वन डाय मिथाइल क्योंकि दो सी एस ट्री ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर एंड ये जो रिंग है इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन डाय मिथाइल ठीक है बेटा ये वाला पार्ट समझ आया आपको चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट इसमें क्या गिवन है आपको यहां पर दी हुई एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे लगा है ओ सी टू एच फाइव यह तो बहुत ही सिंपल है बेटा इसमें पेरेंट चेन क्या होगी बेंजीन रिंग और क्या होगा ओ सी टू एच फाइव तो इसका नाम आप आसानी से क्या लिख देंगे इथॉक्सी एंड बेंजीन दिस विल बी इथॉक्सी बेंजीन ठीक है क्लियर तो ये आपको कुछ क्वेश्चन कि थे आई नेम्स लिखने थे इनके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे बेटा बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तो ये आसानी से हो जाएंगे डन चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय